नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग मध्य प्रदेश के एक और ज़िले में भर्ती निकले, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निकली सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग जिला देवास में निकली भर्ती के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर लें, अपने DP अपने स्टेटस में ज़रूर लगा दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला देवास 29/8/2023 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र देवास की विज्ञप्ति का प्रकाशन करने के बाबत में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। पदनाम संख्या, न्यूनतम योग्यता, अनुभव आदि संबंधित जानकारी के लिए जिला की वेबसाइट www.nic.in पर आप कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देवा से आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15/9/2023 तक। आप कार्यालयीन समय तक शाम 6 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर जमा करवा सकते हैं। समय अवधि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं और जो आपका मानदेय है वो देख सकते हैं। लगभग सभी जिलों में सेम पोस्ट, सेम मानदेय और सेम क्वालिफिकेशन और सेम पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं जो कि आपके जो कार्यालय में नियुक्ति किए गए आवेदक को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ 100 रुपये का स्टाम्प पर अनुबंध करना जरूरी है। लास्ट डेट 15/9/2023 रहेगी, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। संविदा चयन का आधार लिखित साक्षात्कार मेरिट के आधार पर रहेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला प्रबंधन दल द्वारा निधि तिथि निर्धारित की जाएगी। आवेदन को लिखित साक्षात्कार परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में शामिल किए जाने की सूचना आवेदकों को प्राचार पते पर पंजीकृत डाक द्वारा दी जाएगी। आवेदक को डाक विलंब से मिलने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 2 आवेदकों के समान अंक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले को आवेदन को वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले आपका लिखित आवेदन, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और इसकी जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्ट्रीट पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, एक से यहां पर आपको बता दें कि केवल आपका 1 साल का ही रहेगा जो आपका अनुबंध, वो केवल 1 साल के लिए। आपको सबसे लास्ट में आपका आवेदन प्रारूप देखने को मिल जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप, तो इसे भरकर आप अपने पते पर भेज सकते हैं, जैसे कि हमने पते आपको सबसे पहले ही बता दिया है। तो आवेदन को ध्यान से भरिएगा, कोई इसमें त्रुटि मत करिएगा, कोई भी गलत जानकारी मत भरिएगा। यदि गलत जानकारी पाई गई तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।